जिन्हें योगियों के असी बादशाह उस स्टेजा से कंजरिया नहीं नचाते। योगे कितने उदों के कितने गए सी आ इन्ने समय तो यह अपन दुकानदारियां चला रहे हैं उदो इन्हों इन्ह का नशेड़िया का इतिहास पता नहीं लग्या कि इन्होंने इतिहास के उपर एडा वा जरा शंका कर दिता। मेरी सरकार पता कि बच्चे कि अंशवंश है गुरु नानक पातशाह जी के तीजे स्वरूप धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज। बीड़िया सिगरटा पीने वालों साहेब तीजे गुरु नानक धन गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी की अंश बंश दस रहा। उन्हें स्पष्टीकरण करते फिरते जे असी एवें नहीं असी ओवें आख्या कि उन्हें माफी नहीं मंगी उन्हें स्पष्टीकरण दिता जो जे ये माफी की गल करता इतने सारे कट्ठे होंगे इतने सारिया जथेबंदियां आनगियां आके माफी मंग लवे। जिनी भी संगत सद के बैठी है सब तो पहला साहिब गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पातशाह जी का बख्शिश किया नारा प्रवान करिए गज वज के फतेह बुलाइए आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समा आप सब जी जान दियो सीमित दिया सानू सब नू पता कि असी केस मुद्दे वास्ते इत्थे इकट्ठ किया नकोदर अनकोदर आके गुरदास मान आ बीड़िया सिगरटा पीन वालियां नू साहिब तीजे गुरु नानक धन गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी की अंश बंश दस रहा। यह वार वार जिहड़े विरोधी ने यह साडे हिरदे विलुंदरन की कोशिश करते हैं हुण इन्होंने जिहड़ी घनौनी हरकत की है असी इहदे विरोध दे विच इत्थे इकट्ठे होए आ ते सुनन वास्ते मिलता है कि जी गुरदास मान जिहड़ा उह माफी मंग गया। मैं तुहाडे दसन लई जां क्लीयर करन वास्ते इह कह दिआं कि उहने माफी नहीं मंगी उहने स्पष्टीकरण दित्ता जे अजे उह माफी नहीं मंग के गया। गुरु नानक दे घर दा एक असूल यह भी है कि जे कोई शरण विच आ जांदा है ते उहनूं बख्श देना ते जो शरण विच किस तरह आउणा जे उह इत्थे नकोदर आके इन्नी वड्डी गिणती दे विच आके इतिहास दे वार कह सकदे हां असीं क्योंकि कित्थे उदों दे कित्थे गए सी आ इन्ने समय तो यह अपनियां दुकानदारियां चला रहे हैं उदों इन्हां नूं आ इन्हां दा नशेड़ियां दा इतिहास पता नहीं लग्या। अज कदे मां बोली ते कदे प्यारे खालसा जी हुण असीं वेख्या जे कि इन्होंने इतिहास के उपर एडा वड्डा जिहड़ा शंका कर दिता उन्हें स्पष्टीकरण करते फिरते जे असीं एवें नहीं असीं ओवें आख्या इन्हां नूं दस दईए जे 2-3 लाख दे कट दे विच आके तुसीं इहो जे मारे शब्द बोल के जांदे हो फिर इत्थे समुच्चा जगत इकट्ठा होवेगा जिन्हां दे हिरदिआं नूं तुसीं विलुंदर के रख दिता समुचे पंथ नूं मैं बेनती करदी हां क्योंकि अज साडे च समां किहो जिहा बन गया कोई कितें धरीबाजी बना के बैठ गया कोई कितें बना के बैठ गया साडा एका नहीं अजे भी धरेबाजियां नूं छड्ड दिओ पार्टीबाजियां नूं छड्ड दिओ फेसबुकां ते एक दूजे नूं भंडण लई अपनियां निजी जिहड़ियां रंजिशां ने उहनां नूं असीं कढ़न वास्ते एक दूजे नूं ना कोसीए भाई तूं नहीं आया बीबियां दी मैं गल कर लवां इत्थे वेख लईए कट दे विच बड़ी कट दे विच गिणती जिहड़ी उह बीबियां दी नज़र आवेगी क्यों बीबियां दा पंथ नहीं जिहड़े स्टेजां दे उपर जां असीं कह लईए कि फेसबुकां दे उपर विद्वान बन के इह बयान दे रहे हैं कि जी आ जथा नहीं पहुंचा फलानी बीबी दा जथा नहीं पहुंचा। मैं आखदी हां तुसीं इत्थे किन्ना कु पहुंचे जो तुसीं अपनियां बीबियां भैणां नूं लै के इत्थे क्यों नहीं पहुंचे। बस इन्नियां कु बेनतियां करनियां जिहड़ियां साडियां जथेबंदियां इह साडे वड्डे ने साडा सारिआं दा फर्ज है कि जो इह सानूं हुकम लाउंदे आ इन्हां दे नाल मोढे दे नाल मोढा जुड़ के तुरना यह ना होवे कि साडे विचार जिहड़े पहलां दी तरह वखो वखरे होण ते गुरदास मन जिहड़ा इह जिन्ना चिर तक आके आप माफी नहीं मंगदा जिहड़ी ने स्पष्टीकरण कीता मैं फिर तो क्लीयर कर दिया माफी इहने कोई नहीं मंगी जे इह माफी दी गल करदा इत्थे सारे इकट्ठे हुंदे आ इत्थे सारियां जथेबंदियां आउणगियां आके माफी मंग लवे। इन्नियां कु बेनतियां जिहड़ियां प्रवान करनियां इह जिथे तक लाइव पहुंच रहा अजे भी जिहड़ा सुन रहा दूर दा है नेड़े दा है इत्थे आवे परिवार समेत आवे अपनियां मतामां भैणां नूं भी नाल लै के आवे। इह सारा पंथ दा मसला ना ते कल्ला परमजीत सिंह अकाली दा इत्थे सिंह साहिब आ पहुंचे ने जथेबंदियां जिन्नियां भी है मैं उहनां दा धन्नवाद करदी हां ते जिन्ना भी जूथ खड़ा खास करके बेनती जूथ नूं है कि अजे भी मेरे वीरियो इन्हां दे खेड़े छड़ दिओ सिंगरां ने ना पहला कुछ दित्ता है ना इन्हां ने हुण कोई कुर्बानी दित्ती है जिन्हां योगियां दे असीं वारसां उह स्टेजां ते कंजरियां नहीं नचाउंदे। ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ 3-3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਵੀਰਿਓ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ
ਪੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।